नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स आपका अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सर्कल्स, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन में सॉल्व करने वाली हूँ। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें किसी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसको मैं समझा देती हूँ ये कहना क्या कहना चाहता है। एबीसी, इसमें ए माइनस बी की वैल्यू जो है 45 डिग्री है और B माइनस सी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है और पूछ रहा है A प्लस बी की वैल्यू। अब इसमें सिंपली क्या है, आपको किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं फाइंड है, तो हम लोग इसमें क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन एग्जांपल जब दिया जाता है तो एग्जाम में तुरंत नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है, देखिए अब इसमें अलजेब्रा भी यूज हो सकती है देखा जाए तो यहाँ पे एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 45, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए क्योंकि यहाँ पे बी बी दोनों में है और यह माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे, इसको आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे क्या निकल आएगा आपका, एंगल ए और ये दोनों कैंसिल, माइनस एंगल सी इज इक्वल टू और यहाँ पे 75, यानी एंगल ए और एंगल सी में 75 डिग्री का फर्क है। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये है एंगल सी। अब देखिए एंगल ए और सी में कितना डिफरेंस है, 75 डिग्री का, यानी अगर मैं एक को सी मान लूं तो दूसरा क्या होगा, सी और बी में कितने का फर्क है, 30 डिग्री, यानी बी 30 डिग्री बड़ा है सी से, तो बी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एंगल सी प्लस 30 डिग्री, और ए कितना बड़ा है 75 डिग्री, तो इसको क्या कह सकते हैं, सी प्लस 75 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, अब इनका सम कितना था, इसका सम था 180 डिग्री, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, तो आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एंगल सी, थ्री टाइम्स, और इसको ऐड कर लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको माइनस कर लेंगे होगा 75 और इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 डिग्री। और इसी 25 डिग्री से आप सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए कितना हो जाएगा 25 प्लस 75, ये हो जाएगा आपका 100 और ये कितना है 25 एंगल सी प्लस 30 है ना, तो 30 यानी 55 डिग्री और ये आपका 25 डिग्री है, तो आपकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है तीनों की तीनों। अब एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल ए कितना आया है 100, बी कितना है 55, आंसर आ जाएगा 155 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है और फिगर दे दिया गया, यह है एक ट्राइंगल, यहाँ पे एक्स वाई दोनों नहीं पता और ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये जो पतला सा एंगल बन रहा है ओ सी ए, ये भी वाई है और ए बी ओ ये भी एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे बीच की वैल्यू दे दी गई है 108 डिग्री और ए को फाइंड करना है। अब आप देखिए पहले इस ट्राइंगल को देखिए, जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ओ बी सी, इस ट्राइंगल सम क्या होगा आपका, वहां से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पूरा ट्राइंगल फिर ले लेंगे बड़ा वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल x प्लस एक्स टू एक्स, यहाँ वाई प्लस वाई टू वाई। तो चलिए बताते हैं, पहले हम लोग स्मॉल ट्राइंगल सी, यहाँ पे क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 108 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से आप एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 108 डिग्री फाइंड कर लेंगे, ये निकल आएगा आपका 72 डिग्री। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लीजिए ABC, यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल a प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 72, तो ट्वाइस ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ वाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 72 डिग्री है ना, इसका 2 टाइम्स, तो यहां से आप फाइंड कर लेंगे अपनी वैल्यू 180 डिग्री टू, ये हो जाएगा आपका 144 और इसको आप माइनस कर लीजिए, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, आपको ये एंगल पूछा गया है कि सी बी ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि सी डी ए की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता था। तो चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछिए, तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं कैसे निकालेंगे और उसी तरीके से ये भी निकाल लेंगे, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, मैं कंसेप्ट समझाती हूँ पहले। तो
देखिए ये जो एक सर्कल के अंदर चारों पॉइंट्स अगर वर्टेक्स जो है आपके सर्कमफेरेंस से पड़ रहे होते हैं तो ये जो होता है ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स होती है इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सी प्लस ए का वैल्यू 180 डिग्री, डी प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये जो है टेंजेंट है। यहाँ पे फिगर में कुछ नहीं दिया जाएगा, सीधा बोल दिया जाएगा सी बी ए की वैल्यू फाइंड करिए और ये एंगल जो है सी ए क्यू 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये है एक टेंजेंट जो इसे टच कर रहा है ए पॉइंट पे और सी ए क्यू आपको 70 डिग्री दे रखा है। अब आपको सिंपली सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप ऐसे। ये है ओ आपका सेंटर और ओ पे जो सेंटर पे आपको पता होगा एक थ्योरम मैंने समझाई थी, मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी। यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इसी डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन नीचे होती है तो इसके ऊपर वाला जो एंगल होता है वो इसका हाफ होता है और जो ये एंगल होता है वो इसका हाफ होता है। तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा 360 डिग्री माइनस ये, ठीक है। तो इसी से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। अब देखिए इसको मैंने ज्वाइन क्यों किया है, ये क्या है, ये है रेडियस, दोनों एंगल जो होंगे इसके अपोजिट के सेम होंगे। अब ये है आपका 70 डिग्री, तो एक थ्योरम इसमें यूज होती है कि सेंटर से जब कोई एक लाइन खींच जाती है टेंजेंट पे तो ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है। तो इसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, इसकी वजह से ये जो सी ए ओ छोटा सा एंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा, ये 70 है और ये पूरा 90 है, ये क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब ये 20 है तो ये भी, क्योंकि ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये भी हो जाएगा 20 डिग्री। अब ये 20-20 हो गए हैं तो अब सी ए ओ को देखिए, ये एक ट्राइंगल बन गया है तो इन सब पूरी का सम कितना है 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 20 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 140। अब ये 140 डिग्री है तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो एंगल होता है ये इस एंगल का हाफ होता है, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 220 डिग्री। अब 220 का ही हाफ हो जाता है x, तो ये जाएगा 110। और अगर यहाँ पे एंगल a की वैल्यू पूछिए तो सीधा आप क्या करते, इस एंगल का ये हाफ हो जाता, ठीक है। तो 140 का हाफ ये हो जाता 70 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्या पूछा था 70 डिग्री आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, ये एंगल जो है ये कॉर्ड सी ए डायगोनल आपका 70 डिग्री बना रहा है टेंजेंट से। तो आप क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को, सेंटर से जो लाइन पड़ती है टेंजेंट पे वो 90 डिग्री बनाती है जिसकी वजह से हम 20 डिग्री फाइन कर लेंगे, 20 डिग्री 20 डिग्री। यहां से ये एंगल फाइन करेंगे, इसका अपोजिट 360 माइनस उससे इसका हाफ वैल्यू आंसर आ गया। तो मैं पहले बता देती हूँ, इसमें एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और इसी से बनता है जब आप इसको साइन स्क्वायर थीटा से ही अगर इसको डिवाइड कर देंगे हर जगह पे तो इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है आपका, साइन साइन कट जाता है, ये कॉस अपॉन साइन हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाता है 1/sin² थीटा cosec² थीटा में बदल जाता है, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला यही है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 और इसी को अगर हम लोग sin² थीटा से ना डिवाइड करके अगर cos² थीटा से डिवाइड कर देते हैं दोनों जगह तो ये फॉर्मूला जो है दूसरा रूप ले लेता है, ये sin upon cos ये हो जाता है tan² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस का क्या वैल्यू होती है sec, तो sec स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, आप इसको याद कर रख लीजिए फॉर्म पे है। तो जब ये इस तरह का फॉर्म होता है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी तो हमें इसके रिवर्स यानी माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी हम ऊपर क्या करेंगे sec a माइनस tan a से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहां देखिए sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था,
तो यहाँ पे लिख लीजिए और ऊपर वाले को आप पूरा ओपन कर दीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर a माइनस टू sec a tan a अपॉन, इसको लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a। तो ये आपका कट जाएगा, नीचे सिर्फ 1 बचेगा। ऊपर वाले को देखिए, यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a को क्या आप लिख सकते हैं, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर a। तो इसको हम लोग यही कर लेते हैं, sec स्क्वायर a को हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर a माइनस 2 sec a tan a। आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे इसको हटाइए चाहे इसको हटाइए। तो ये है 1 और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 sec a tan a। ठीक है, तो ये है आपका आंसर इसका। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको क्या करना है एक ही फॉर्म में इसको बदलना होता है। यहाँ माइनस प्लस में था, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या है, ये साइन कॉस में है तो इसको भी साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको क्या कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर चल जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको आप खोल लीजिए, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको ऐसे फॉर्म में नहीं रखा जाता है, तो क्या करेंगे, इसको ये ऐसे हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ये हो जाएगा कोसेक थीटा sec थीटा। कैसे हो रहा है ये ऐसे हो रहा है ना, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यही जो है 1 अपॉन साइन थीटा को क्या कह सकते हैं, cosec थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या कह सकते हैं, sec थीटा। ठीक है, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2। तो यही है आपका आंसर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 4 पावर में चल रहा है, और यहाँ पे देखिए कॉस कॉस साइन, आपको क्या करना है, एक ही शेप का रखना है ना, एक ही तरीके का फेस एक ही तरह का। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो उस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है, साइन 4 है ना थीटा, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हटाना होगा तो कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो चलिए यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह फॉर्म है ना, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज उतर जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, अब पावर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये देखिए माइनस 2 स्क्वायर है ना, और यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा,
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क का। ये भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। इसमें देखिए मैंने हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में समझा दे रही हूँ ये क्या कह रहा है। इसमें एक्चुअली है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, यानी 3/4 क्या, अगर कोई वर्क एक्स है तो इसका 3/4 काम जब बी कर लेगा तो उतने ही समय में, अगर ये टी टाइम है तो इतने ही टी समय में ए जो है वो आधा काम कर पाएगा एक्स का, ठीक है। ये अगर 75% काम पूरा कर लेगा उतने देर में तो ये कितना कर पाएगा, सिर्फ 50% पूरा कर पाएगा। फिर पूछ रहा है कि अगर ये दोनों काम, दोनों लोग मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम 18 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बताओ बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको उसकी कैपेसिटी है ना वर्क के बेस पे पूछा है, ठीक है। वर्क के बेस पे आपको गिवन दिया है लेकिन पूछा किसमें है, दिन में पूछा है। तो देखिए आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि जो वर्क होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डेज की, ठीक है। तो अगर कोई कैपेसिटी की जिसकी ज्यादा है काम करने की तो वो दिन कम लगाए, यानी वर्क अगर ज्यादा कर रहा है वो तो वो कम दिन लगाएगा, अगर वो वर्क कम कर रहा है तो दिन ज्यादा लगाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए बी का 3/4 अगर मैं मानू ये ए है और ये बी है तो ए अगर 3/4 दिन लगाएगा बी के, है ना, अपोजिट हो जाएगा दिन के मामले में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वर्क के बेस पे, मैं आपको पहले समझाती हूँ वर्क के बेस पे। तो ए आधा काम करता है तो इक्वेट करने के लिए क्या होता है, जो इसकी चीज होती है वो उसको देना पड़ता है, जो उसकी चीज होती है वो इसको देना पड़ता है, यानी हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए। ये वर्क के बेस पे है। अगर हम दिन के बेस पे देखें तो दिन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए क्या करेगा 3/4 समय लेगा ना, तो ए के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 बी का और वर्क हाफ ऑफ ए, ठीक है। तो अपोजिट हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो डेज के फॉर्म में ना 18 days, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में फॉर्म इसको यूज करेंगे तो ये कैसे होता है, 1/a + 1/b = 1/18। तो आप a की जगह क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको a की तरफ सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3/2 ऑफ b, इसको हम लोग यहाँ रख देंगे। अब आप रख दीजिए ये हो जाएगा 3b, है ना, और 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 1/b = 1/18। अब इसको एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे (3)(3), ये क्या हो जाएगा 5/3b = 1/18। इसको सॉल्व कर लीजिए ये कितना आ जाएगा 3 6 जा, है ना, तो 6 × 5 = 30, तो b = 30 days। तो ये आ गया आपका आंसर। और 30 डेज अगर b का है और मान लीजिए a का भी पूछा होता तो b अगर 30 डेज है तो a कितना होगा, a होगा 3/2 × 30 = 45 days। तो मैंने आपको पूरी जो कहानी बताई क्यों बताई, क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जब वर्क में पूछा है क्वेश्चन आपसे डेज में पूछ रहा है तो आपको वर्क में जो इक्वेट करेंगे उसको डेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और ये जो चीज होती है ये डेज वाली ये डेज में ही होती है, ठीक है। तो हर चीज जो भी दी जाएगी आपको उसको डेज में कन्वर्ट करिए, चाहे वो सैलरी के बेस पे कई बार बोल जाता है कि उसकी सैलरी उससे उतनी है ना, उसकी डबल है, तो डबल अगर वो दे रहे हैं उसको यानी वो काम ज्यादा कर रहा होगा, है ना, ज्यादा कर रहा होगा इसका मतलब दिन कम ले रहा होगा, ठीक है। उसी बेस पे आपको इक्वेट करना है, और जो आपकी वर्क होता है और जो सैलरी होती है वो अपोजिट होते हैं डेज। को सॉल्व करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनलाइज में करिएगा यानी ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि जैसे मैं वीडियो कोई भी अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और अगर जो भी कोई आपके डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो मेरा चैनल नेम है उसका नाम है
स्किल सैपियंस। यहाँ पे सेम जो आपका यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे चैनल का नेम है, वहां पे भी इंस्टाग्राम में यूनिक नेम है स्किल सैपियंस, आप डालेंगे मेरा चैनल आ जाएगा और फोटो भी यही लगी है जो कि मेरे चैनल की है। तो सेम है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और वहां पे आप पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और आप लोगों के जो भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं वो इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली डीएम करके मुझे फॉलो करके भेज सकते हैं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।